स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरबिंदर होम पर। दोस्तों आज जो आप घर देखने जा रहे हो एक डेवलप एरिया के अंदर बिल्कुल पार्क के सामने और एक बड़ा आलीशान शानदार घर जहाँ पर ग्रीनरी बेशुमार है, हवा एकदम शानदार है और आपका रहने का जो अंदाज़ होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि घर जो आज आप देखने जा रहे हो बिल्कुल 400 गज के अंदर आपको मिलने वाला है जो कि ईस्ट फेसिंग रहेगा और डबल स्टोरी रहेगा। तो दोस्तों घर का जो फ्रंट रहेगा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर किया गया, 40 फीट का फ्रंट है आपके घर का जहाँ पर आयरन गेट्स आपको मिल जाते हैं, पार्किंग एरिया में सारा आपको ग्रेनाइट मिल जाएगा, साइड पे हमने जो है आयरन फेंस दे दी है ताकि आपकी ग्रीनरी भी बनी रहे। और इसके अलावा जब हम घर के गेट के सामने आपका रैंप एरिया काफ़ी बड़ा हमें मिल जाता है और इसके साथ हमारा बड़ा सा गेट हमें मिलता है, ओपन करते ही हमारे पास एक 26 फीट की लेंथ में आपको पार्किंग मिल जाएगी जहाँ पर 2 SUVs आपके बड़े आराम से लग जाएगी और इस तरफ आपकी 3री SUV लग जाएगी। सामने तक बालकनी को काफ़ी ज़्यादा बाहर निकाला गया, का बड़ा कैंटिलीवर आपका यहाँ पर मिल जाएगा, कॉर्नर विंडो और इसके अलावा जो ग्रीन एरिया उसकी स्पेस आपको यहाँ पूरी मिल जाती है। तो एक अच्छे लुक्स के साथ आपको पूरा घर मिल जाता है, रॉयल लुक्स है। आप देखेंगे साइड पर भी आपकी जो विंडो है उसके ऊपर पूरा फ्रेम है और पूरा का पूरा तकरीबन टाइल्स के साथ कवर किया गया और टाइल्स को बड़े अच्छे वे के साथ लगाया गया है। और उसके अलावा जब हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो हमारी एल शेप की विंडो है जिसके इर्द गिर्द आपको अगेन फ्रेम नज़र आएगा और काफ़ी बड़े साइज़ के, और जितने भी बाहर की विंडोज़ हैं सब पे आपका जो रहेगा टफन ग्लास आपको यहाँ मिलेगा और बड़ी विंडो है तो लाइट पूरी आएगी। तो ठीक यहाँ पर हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि हमारा फ्लश डोर रहेगा और काफ़ी बड़ी हाइट का आपको 9 फीट का दरवाज़ा, बड़ा आलीशान जिसे कहते हैं शाही, वो चीज़ आपको पूरी यहाँ पर मिलती है। ड्यूल डोर आपको दरवाजे के अंदर मिल जाता है और बता दूँ ये दरवाज़ा जो रहेगा टीक प्लाई के साथ आपको मिलने वाला। चलिए ओपन करते हैं। तो जैसे हम ओपन करते हैं तो सीधा हमारा राइट साइड पे हमारा ड्राइंग एरिया आ जाता है और ड्राइंग एरिया के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस है, 20 फीट का हमारा ड्राइंग एरिया रहेगा। नीचे सारा टाइलिंग वहाँ पर आपको मिलने वाला 20x14, हल्की सी पार्टीशन और डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा सीलिंग पर एक अच्छा काम किया गया है, बड़े बड़े रूम्स आपको पूरे घर के अंदर ही मिलने वाले हैं। बड़ी विंडो का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि पूरे घर के अंदर लाइट आ तो आती ही आती है, इसके अलावा जब हम यहाँ से बाहर की तरफ देखते हैं तो नज़ारा ही बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों बिल्कुल ये पार्टीशन के थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारा आ जाता है फैमिली लॉन्च। तो काफ़ी बड़ा 31 फिट की पूरी जो रहेगी आपका स्पेस रहेगी यहाँ पर 31x20, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी मिलता है और एक ऐसी उस लोकेशन जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ बैठ के पूरा इंजॉय करती है, बिल्कुल वैसी ही स्पेस यहाँ पर बनाई गई है। सीलिंग पर अच्छा डिज़ाइन है, सामने एक बड़ा सा टीवी पैनल आपका बना दिया पूरी हाइट तक पूरे, ताकि आप बड़े से बड़ा साइज़ का जो टीवी होता है वो यहाँ पर लगा सकें, मज़ा लेना पूरे घर के साथ पूरा लें। और दोस्तों हमने यहाँ पर एक छोटा सा जो है आपके लिए स्टोर यहाँ पर बनाया है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, और प्लस हमने एंट्रेंस पर ही आपके लिए गेस्ट वॉशरूम ज़रूर बनाया है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है और आपका जो ये एरिया है क्योंकि 31x20 की काफ़ी अच्छी स्पेस है और यहाँ से आपका जो है सीधा गेस्ट बेडरूम जो कि बिल्कुल हमने फ्रंट पे रखा है जो कि अगेन 20 फीट का आपको मिलने वाला है, 20x13 का, जहाँ पर वुडन फ्लोरिंग आपको पूरी मिल जाएगी, एक अच्छा काम पूरे बेडरूम के अंदर मिलेगा, बड़ी सी खिड़की जहाँ से बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग है और एक बड़ा सा टीवी पैनल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है जो हमने हर बेडरूम के अंदर आपके लिए ऑलरेडी बनाया है। लुक्स काफ़ी अच्छी रहेंगी, आपकी स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, सीलिंग पर हर जगह डिज़ाइन एक वाकई अच्छे लेवल का आपको मिलने वाला है और हर बेडरूम के साथ आपको अलग से ड्रेसिंग एरिया ज़रूर मिलेगा जहाँ पे स्टोरेज आप मैक्सिमम कर सकते हैं। वार्डरोब्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी ताकि मैक्सिमम सामान जो है आपका यहाँ पर हो जाए और आपके बेडरूम की स्पेस को ख़राब किए बिना आप अपने घर का पूरा मज़ा ले सकें। और इसके साथ जो है हमने आपका वॉशरूम वो भी यहीं पर अटैच रखा हुआ, वॉशरूम के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस आपको मिलेगी, काउंटर आपको मिल जाएगा आपके सिंक के लिए और जो वेट एरिया वो आपका डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा अलग रखा है हमने ताकि आपका जो वॉशरूम है उसका साइज़ का भी जो मज़ा पूरा ले सकें और वहाँ पे नहाने धोने का अलग से पूरा मज़ा ले सकें आप। सीलिंग की हाइट तक आपको टाइल्स रखी हैं। तो चलिए बाहर की तरफ वापस अपने हम फैमिली लॉन्च की तरफ पहुँचते हैं और यहाँ पर एक हल्की सी पार्टीशन मिलती है जिसको काफ़ी अच्छे विनियर वुड के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया, पॉलिश किया है काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ। और यहाँ पर हमारा जो आता है डाइनिंग एरिया जो कि 18.5x12.5 का स्पेस आपको मिल जाता है, ईजिली विंडो एक बड़ी सी मिल जाएगी और इस एरिया के अंदर आप 8 सीटर ही आप यहाँ पर लगाएंगे अपना डाइनिंग टेबल, तो पूरा लगाने के बाद आपके पास स्पेस बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमने एक दो चीज़ें इधर उधर से रखनी है तो बड़े आराम से रख सकते हैं, जैसे क्रॉकरी सेट होता है वो चीज़ें। और ठीक इसके साथ आपको किचन मिल जाएगी और किचन का डिज़ाइन वाकई बहुत अच्छा है और देखेंगे आप पूरा का पूरा चारों तरफ आपकी किचन फैली हुई है क्योंकि 18.5x12 फिट की किचन है, वाइट टोन इसके अंदर दिया हुआ, सारा डीको पेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक अच्छे काउंटर आपको मिलेंगे, अच्छे हैंडल्स आपको मिलेंगे, अच्छी स्टोरेज आपको मिलेंगी और प्लस जो है यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ जो है किचन की लुक्स बहुत अच्छी लगी है मुझे क्योंकि एक अच्छे वे के साथ बनाया गया, एक अच्छे लेवल के हिसाब से बनाया गया, चाहे वो सीलिंग हो चाहे वो फ्लोरिंग हो,
चाहे वो खिड़की हो या फिर आपका कोई और भी लोकेशन हो, हर जगह से इसको जब देखते हैं तो दिल खुश होता है। तो इतनी बड़ी किचन के अंदर चाहे पार्टी हो तो जैसा मर्जी हो, सारा का सारा घर में ही अपने काम हो जाता है। और इस किचन के साथ आपका एक डोर है जिसको हमारा ले जाता है हमें बैकयार्ड की तरफ, जो कि हमारे पास 30x13 का है। काफ़ी अच्छी स्पेस है, ओपन टू स्काई है, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। धूप आप देख रहे हैं अभी भी, पूरी सनलाइट जो पूरे घर के अंदर आ रही है। इजीली आप वॉशिंग क्लोथिंग जितना करना बड़े आराम से कर सकते हैं, उसके अलावा बाहर बैठे आराम से मज़े लें इस धूप का। तो दोस्तों वापस अंदर आते हैं तो हमारे डाइनिंग एरिया से होते हम सीधा पहुँचते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। तो नीचे 2 बेडरूम हॉल किचन आपको पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। बेडरूम यहाँ पर 18.5x13 का मिलेगा, काफ़ी अच्छी स्पेस है। फ्लोरिंग अगेन आपके पास जो है इटालियन टाइल्स आपको मिलने वाली हैं, और ऊपर आपका जो है पूरा का पूरा एक अच्छे लुक्स के साथ एक बड़ी सी सीलिंग, एक बड़ा डिज़ाइन। जब हम सीलिंग बड़ी करते हैं ना, वहाँ पे एंगल्स और बीम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उनका डिज़ाइन भी वैसा ही आ जाता है। तो नीचे जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छी आती हैं। बड़े बेडरूम्स होते हैं, आप सिर्फ बेड नहीं लगाते, 4 चीज़ें और लगाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप एक डेवलप एरिया के अंदर रह रहे होते हैं तो वहाँ रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कई बार कि जब हमारे पास पैसे ठीक ठाक हैं तो हम डेवलपिंग एरिया में रहेंगे, तो वहाँ पर उतना देर हमें वेट भी करनी पड़ती है कि जब तक वो डेवलप हो रहा होता है। तो ये एरिया जो आपका पूरा डेवलप आपको मिल जाएगा। हर बेडरूम के साथ आपको अटैच जो है ड्रेसिंग और वॉशरूम आपको अटैच मिलने वाले हैं, और वॉशरूम्स को काफ़ी अच्छे वे के साथ यहाँ डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों फिटिंग्स आपके आने से पहले हम यहाँ पर लगा देंगे, वो हम जानबूझकर नहीं लगाते, कई बार होता है कि कोई आता देखने तो यूज़ कर लेता। तो दोस्तों ये स्टोर है, ये बेडरूम के साथ अलग से हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया, इसको जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। स्पेस हमने आपके लिए यहाँ पर पूरी अच्छी रखी और काफ़ी अच्छे वे के साथ यहाँ पर मिलेगी। और सीधा आपके बेडरूम से वापस आपके फैमिली लॉन्ज, और फैमिली लॉन्ज से हम पढ़ते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर नज़ारा ही बिल्कुल अलग है। तो यहाँ हमारे पास है स्टेयर जो कि वुडन के साथ डिज़ाइन किया है, उसके ऊपर टाइल्स का डिज़ाइन है, और प्लस यहाँ पर जो है स्टेनलेस स्टील और ग्लास आपको पूरा मिलेगा, टफन आपका पूरा मिलेगा यहाँ से ऊपर तक। और एक अच्छा अलग ही नज़ारा आपको यहाँ पर आया था जब हम अपनी स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हैं, एक अच्छी फीलिंग हमें यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा है, और ऊपर नीचे से जो वेंटिलेशन है वो इस तरफ जो वाकई बड़ी अच्छी बन जाती है। ऊपर आते ही हमारा लॉबी एरिया हमें मिल जाता है, जहाँ पर सामने की तरफ हमारी खिड़की है, और यहाँ से हम बाहर की तरफ चलते हैं जहाँ हमारी सामने की फ्रंट बालकनी। तो काफ़ी बड़ी बालकनी है, मज़ेदार बालकनी है, सुबह का मज़ा यहाँ पर लेना हो तो बिल्कुल यहाँ पर आए। और ऊपर HLP शीट्स के साथ ग्लासेस हमें जो है लाइट्स आपको मिल जाएंगी, प्लस यहाँ पर आपके जो डार्क शेड के अंदर टाइल और एक अलग डिज़ाइन हमें सामने की तरफ से नज़र आता है। वापस अंदर की तरफ आते हैं, और ठीक यहाँ पर हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे, या फिर इस घर का 3rd बेडरूम जो कि अगेन हमारे पास 20 फीट का रहेगा, 20x13, काफ़ी अच्छे साइजेस हैं। तो 400 गज हो या 500 गज हो तो मतलब कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ आपको मिल जाते हैं, कनाल का मतलब भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है। तो इस साइजेस के अंदर जो आपका रहना है या रहना के साथ अगर आप कुछ और भी चीज़ रखना चाहते हो तो बड़े आराम से होता है, मज़ेदार साइजेस होते हैं यहाँ पर, रहने का अलग ही मज़ा होता है इन साइजेस के अंदर। ठीक आपके बेडरूम के साथ ड्रेसिंग एरिया अगेन यहाँ पर भी वैसे मिलेंगे जैसे हमने नीचे देखे थे, और प्लस आपके जितना भी काम आपको यहाँ मिलेगा सारी के सारे टीक प्लाई यहाँ पर यूज़ किए जो कि पॉलिश किए, इसके अलावा विनर है उसको पॉलिश किया हुआ, तो अलग ही लुक्स आपको हर जगह वुडन के मिलेंगे। काम जितना आपको घर के अंदर मिलेगा सारा एक अलग लेवल का मिलेगा, कोई हल्का फुल्का काम नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से। हर चीज़ को बड़े बारीकी से यहाँ पर डिज़ाइन करके लगाया गया है, और हर चीज़ में ब्रांड का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि जो इस लेवल के जो घर होते हैं उनके अंदर जो काम होता है वो भी एक अलग लेवल का होता है, वहाँ पे ब्रांड लेवल भी जो यूज़ होता है वो भी अलग लेवल का होता है। तो दोस्तों इस बेडरूम से बाहर निकलते हमारा पूजा रूम आ जाता है, स्पेस हमने यहाँ पर अलग से रखी हुई है, इजीली आप जिस तरीके से इसको यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। और इसे यहाँ से बाहर निकलते सीधा हम अगेन अपने लॉबी में पहुँचते हैं जहाँ पर स्टेयर्स आपको मिलती हैं, और यहाँ से हमारा घर का जो है 4th बेडरूम 18.5x13 का साइज़ हमें यहाँ मिल जाता है। तो दोस्तों एरिया ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डेवलप है, ये वो एरियाज़ हैं मोहाली के जो कि एयरपोर्ट रोड के पास आपको मिल जाते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट भी महज आपका 4-5 किलोमीटर का रहेगा। यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर ISB इंडियन बिजनेस स्कूल है, या इसके अलावा ईशर यूनिवर्सिटी है वो आपके बिल्कुल पास में है, और आप ये लगा लीजिए हॉस्पिटल जैसे फोर्टिस हो गया वो हो गया, हर चीज़ आपको ना अराउंड 4-5 किलोमीटर के इन बिटवीन आपको मिल जाएगी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, ठीक है, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। मार्केट आपके इसी सेक्टर्स के अंदर आपको पूरी प्रॉपर मिलेगी। ये मोहाली के वो प्लान्ड एरियाज़ हैं जो आपके पॉश एरियाज़ के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जो होता है वो सराउंडिंग्स ही बदल जाती हैं, आपके आसपास के घर जो होते हैं उनके लेवल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यहाँ पर 300, 400, 500 गज के ही तकरीबन घर इन एरियाज़ के अंदर आते हैं, और एयरपोर्ट रोड के पास होने की वजह से यहाँ पर जो एप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बात होती है वो होती करोड़ों से है, फिर वो चाहे वो छोटा सा कोई प्लॉट हो या फिर कोई शॉप हो,
तो बिल्कुल अलग ही रहता है, लेवल ही अलग रहता है। यहाँ पर नेबरहुड जो मिलती है वो भी आपको उसी लेवल के यहाँ पर मिलते हैं। तो जब हर चीज़ें अगर हमारे लेवल के हिसाब से सूटेबल होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर रहना भी आसान होता है, वहाँ पर लाइफ भी अच्छी निकलती है और आने वाला टाइम हमारा जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल सिक्योर्ड एरिया है यहाँ पर। ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो आपके ऑफिसर लेवल के लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं, या फिर जो है बिजनेसमैन जो होते हैं वो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, घर के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कहीं से भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्राइसिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है, किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, और चाहे इस घर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी और घर के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो वो भी यहाँ से मिल जाएगी। और प्लस अगर आप किसी और रेंज के अंदर घर को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाके आप वीडियोस को चेक कर सकते हो, हर लेवल की जो वीडियोस हैं वहाँ पर हमने डाली हैं, या हर रेंज के घर जो हमने डाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं सीधा अपने लॉबी, और लॉबी के साथ ही आपको जो है यहाँ पर पेंट्री का एक छोटी सी पेंट्री यहाँ पर मिल जाएगी, और प्लस इसके साथ स्टेयर्स हैं, और ये स्टेयर्स आपको सीधा ले जाती हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमने सर्वेंट रूम बनाया हुआ है। तो सर्वेंट रूम के अंदर आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, प्लस एक पेंट्री आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो दोनों काम आपके यहाँ पर पूरे प्रॉपर हो जाते हैं। अगर आपने इसको अलग से रखना है तो वैसे रख सकते हैं। और हमने सर्वेंट रूम के जो स्टेयर्स हैं वो हमने सीधा बाहर से डायरेक्ट की हुई हैं, ताकि आपके घर के अंदर आना जाना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए सर्वेंट के लिए। और साथ में यहाँ पर बड़ी सी रूफ, जिसका आप पूरा मज़ा लेंगे। और ये है आपके आसपास के घर जो पूरे बने हुए हैं, और मज़ेदार एरिया आपके रहने के लिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इस वादे के साथ एक शानदार घर का, हम फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।